पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, वेल डन पाकिस्तानी पेसर्स, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, चश्म बदूर, नजर से दूर, अल्लाह करे कहीं किसी की नजर न लग जाए। आगे जाने से पहले एक तो आज नसीब शाह की इंजरी ने कसम से दिल निकाल दिया। दे मतलब 5 मिनट जो बाउंड्री पे पड़ा हुआ था ना, मैं लाइव मैच देख के ऐसी आंखें मैंने बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से चुपके से आधे घंटे बाद ट्विटर पे चला गया, टीवी पे दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म को चेक करने के बाद मतलब आया हुआ था कि नसीब शाह फिट करा पाया है, तब मुझे सुकून मिल गया। लेकिन मैं आपको माशाल्लाह चश्मी बदूर इसलिए कह रहा हूं कि इस पे इस बैटरी को अल्लाह करे कहीं दुश्मन की नजर न लग जाए, कहीं किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि हम से ज्यादा पाकिस्तानियों से ज्यादा आजकल भारत में इन पे नजर रखी हुई है, इनको बहुत गौर से देख रहे हैं, इनकी तारीफें हो रही है, पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर तबसरे जारी है, इनके ऊपर क्या क्या तबसरे चल रहे हैं। सबसे पहले भारतीयों को इंडिया के नाम इंडिया से चेंज करके भारत रखा गया है, उन भारतीयों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, धन्यवाद मेरी तरफ से, भारत बहुत ही अच्छा नाम है। आगे मेरे ख्याल से आईपीएल नहीं होगा, बीपीएल होगा, भारत प्रीमियर लीग, इसी तरह मुंबई इंडियंस नहीं होगा, अच्छा मुंबई भारतीयंस होगा, इसी तरह कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तानी पेसर्स के हवाले से ऐसे स्टैट्स बताने जा रहा हूँ, ऐसे रिकॉर्ड्स बताने जा रहा हूँ, आपकी आंखें देख के दंग रह जाएंगे, आप सुन के हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक मतलब ऐसी पिच पे पाकिस्तानी पेसर्स ने ऐसी बॉलिंग करके दिखाया जहां पे दोनों इनिंग्स में 350 आसानी से बनता था, मतलब फुल रोड था, वहां से बहुत मुश्किल था कि पेसर्स विकेट ले ले। लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो अब तक 3 मैच इस एशिया कप में खेला गया है, सुपर फोर का आज पहला मैच खेला गया। पाकिस्तान ने सबसे पहले 2 पॉइंट बेहतर नेट रन रेट के साथ लेकर श्रीलंका के लिए कल उड़ान भरेंगे बांग्लादेश के साथ। और खास बात यह कि वहां पे बारिश की बहुत ज्यादा पेशन गोई हो रहा है, मुझे नहीं लगता वहां पर कोई मैच फाइनल तक हो जाए, अगर हो जाए तो बड़ी बात है। जिस तरह कोलंबो मतलब बाकी जितने भी मैचेस हैं वो सारे कोलंबो में हैं, और कोलंबो में अगले 10 दिन तक 80-90% बारिश है, वैसे भी कोलंबो में सैलाब आया हुआ है आजकल, इतनी बारिश वहां पे चल रहा है। एंड पाकिस्तानी पेसर्स ने आज एक ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है, 3 मैच पाकिस्तान एशिया कप में अब तक खेला हुआ है, लेकिन इन 3 मैच में मतलब 30 विकेट होता है, तीनों टीमों को पूरे 50 ओवर खेलने नहीं दिया है पाकिस्तानी पेसर्स ने। आरिस, नसीब, शाहीन, इंडिया को पूरे 50 ओवर खेलने नहीं दिया, नेपाल को पूरे 50 ओवर खेलने नहीं दिया, बांग्लादेश को पूरे 50 ओवर खेलने नहीं दिया, एक तो ये, दूसरी ये बात कि 3 मैच में बनते हैं 30 विकेट। और अजीब बात है, मतलब आप सुन के हैरान हो जाओगे, इन 3 मैच में 30 विकेट में से 24 विकेट आपके पेसर्स ने निकाल दिया है, और उस विकेट पे आपके पेसर्स ने विकेट निकाल दिया है। आज वहां पे विकेट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिख रहा था, वहां से आपके पेसर्स ने आज विकेट निकाल दिया है, 30 में से 24 विकेट आपके पेसर्स ने निकाल दिया है। और आज एक बार फिर 10 में से 9 विकेट पेसर्स ने ले लिया, पिछले बार इंडिया के खिलाफ 10 के 10 विकेट पेसर्स ने ले लिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, आज एक बार फिर पेसर्स ने 10 में से 9 विकेट, वो 1 विकेट से चाचा इफ्तिखार के खाते में आ गया। और ये तीसरी बार हुआ है कि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने, इससे पहले मतलब 2004 में एशिया कप में पेसर्स ने 9 विकेट ले लिया था 2004 में, अब आज पेसर्स ने दोबारा 9 विकेट ले लिया है 2023 में, लेकिन 2023 में इससे पहले 10 विकेट हमारे पेसर्स ने इंडिया के खिलाफ ले लिया, ये एक अच्छी शगुन है। वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का आज का जो मुकाबला था ट्विटर पर मतलब मीडिया पे सोशल मीडिया पे इंडियंस बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, कभी ये बोल रहे थे आखिरी 5 मैचेस की अगर हम बात करें, बेशक आखिरी 5 मैचों में 4 मैच में जीत बांग्लादेश की मुकद्दर बनी थी, जो कि 1 मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल किया था। वो 1 मैच में पाकिस्तान ने जीत कहां पे हासिल किया था, वो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में, 2018 का जो एशिया कप खेला गया था वहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दिया था दुबई में, और बाकी जो 3 मैच थे वो वहां पर पाकिस्तान की टीम मतलब एक मतलब टूटी हुई टीम थी, एक लंगड़ा लोटा टीम था, अजहर अली की कैप्टनसी में बांग्लादेश के सीरीज था, वहां पर पाकिस्तान की टीम को भेज दिया गया, वहीं पे हिस्ट्री में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार वाइट वॉश कर दिया, 3 के 3 ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे दिया बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2015 में, इससे पहले पाकिस्तान को मतलब शिकस्त
का सामना नहीं हुआ था बांग्लादेश से। पहली बार तीन मैच हुए, तीन की तीन में बांग्लादेश ने शिकस्त दे दिया। वो टूटी फूटी बाबर से पहले, शाहीन से पहले, इनसे पिन से पहले की टीम था। तो एक बार फिर 2018 में एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया। ये चार बार, मतलब 2015 से लेकर 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये पांच 2015 से 2023 तक ये पांच मैच में, चार में बांग्लादेश को फतेह नसीब हुआ था, एक में पाकिस्तान को, मतलब चार में बांग्लादेश को, तीन 2015 में बांग्लादेश ने जीत लिया था, एक 2018 में दुबई में, एक मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड में बांग्लादेश को शिकस्त दे दिया था वर्ल्ड कप में। अब ओवरऑल अगर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की बात करें तो 37 मुकाबले इनके बीच हुए हैं, 32 में पाकिस्तान ने फतेह नसीब किया है, जबकि पांच में बांग्लादेश को फतेह नसीब हुआ है। 37 मुकाबले में 32 में पाकिस्तान, पांच में बांग्लादेश। सो ये थे इनकी स्टैट्स। और बाबर आजम ने आज एक और बहुत बड़ी संघ मील को दूर कर लिया, बेशक उसने सिर्फ 17 रन बना लिया, लेकिन कैप्टनसी बाबर आजम की आज क्या जबरदस्त कैप्टनसी की है इसने, बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज किया, विकेटे कैसे निकाल दिया, शकीब उल हसन की विकेट यहाँ सईद अशरफ को ले आया, थ्रो कर दिया वो मुशिक रहीम और उसका जो पार्टनरशिप चल रही थी वो तोड़ दिया। यहाँ पे बाबर की आज कैप्टनसी को मैं दाद दे दूंगा, लेकिन बाबर आजम ने एज अ कैप्टन आज 2000 रन पूरे कर लिया। ये 31 इनिंग्स में ये संगमील उबूर किया, विराट कोहली ने 36 इनिंग्स में ये संगमील उबूर किया था, जबकि एबी डी विलियर्स कुछ और नामी गामी क्रिकेटर्स हैं, किसी ने 40 में, किसी ने 46 में, किसी ने 42 में ये संगमील, महेंद्र सिंह धोनी भी इनमें शामिल है, संगमील उबूर किया था। सो आज सिर्फ पूरी मैच एक तरफ, आरिफ रूफ की बॉलिंग एक तरफ, आरिफ रूफ को एक तरफ से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आरिफ रूफ को जब भी बाबर आजम गेंद थमा देता है वो आके विकेट जरूर थ्रो करता है। आप इंडिया के खिलाफ देखो, आप नेपाल के खिलाफ देखो, आप आज के मैच में देखो, जहां पे लग ऐसे रहा था कि अब विकेट नहीं मिल रहा है, थोड़ी बहुत सेट होने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, रन लेकर निकाल रहे हैं, तो आरिफ रूफ को जैसे ही बॉल थमा दिया, मुशरिक रहीम और नए आने वाले बल्लेबाज मैदी हसन था, प्रचंडी था, इस्लाम था, उसको भी आउट कर दिया। तो दो बल्लेबाजों को, सॉरी तस्कीन अहमद था, दो बल्लेबाजों को यके बाद दीगर दो गेंदों पे पवेलियन की राह दिखा दी। पाकिस्तान की गेंदबाजों की सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे गेंद डाल देंगे। अब शाहीन शाफरीदी से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिटन दास की विकेट कहाँ से निकाल देगा, मतलब लेफ्ट आर्म पेसर है शायद वही रोहित शर्मा वाली गेंद डाल देगा, लेकिन पता नहीं इनके डिमांड में क्या चलता है। बॉल स्लूफ कह रहा था ना मैच के बाद कि हमारी प्लान होता है, सबको अपना रोल पता होता है कि कहाँ पे हमें क्या करना है अभी। सो नसीम शाह को देखो, मतलब एक लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इन मुख्तलिफ, अगर फर्स्ट स्लिप देखे, सेकंड स्लिप या टॉप एज, रीडिंग एज एंड LBW बोल्ड, डिफरेंट तरीके से विकेट निकालती है। तो ये इनकी एक अच्छी गुण है, तीनों के विकेट निकालने की अलग अलग तरीके है, आरिफ रूफ के अलग तरीके है, नसीम के अलग तरीके है, शाहीन के अलग तरीके, तभी ये तीन मिलके कामयाब होते हैं इंशाल्लाह। नसीम इस बार लगता ऐसे है, उम्मीद है, उम्मीद के अल्लाह के दर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, उम्मीद होना चाहिए बंदे को, हमें उम्मीद है, तकब्बुर नहीं करते हैं, तकब्बुर नहीं करते, हम उम्मीद है अल्लाह के दर से कि इस बार पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पाकिस्तान की बात करें, यहाँ से पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेला श्रीलंका में, फिर इफ्तिताही मैच जो एशिया कप का था ओपनिंग सेरेमनी का, बांग्लादेश नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान, फिर इंडिया के साथ एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान दोबारा चला गया श्रीलंका, फिर पाकिस्तान सुपर फोर की एक मैच खेलने के लिए दोबारा आ गया पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ आज खेल के दोबारा पाकिस्तान जा रहा है श्रीलंका, मगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है पाकिस्तान, तो इसी वजह से अल्लाह ताला इनको कामयाबी देता है। ये मतलब ऐसे आग पे रख के खाने वाले नहीं है, ये मेहनत करते हैं, ये मतलब अभी इंडिया की टीम को देखो, बस एक होटल में ठहरा हुआ है 10 दिन से, अब आगे जितने दिन भी अभी कोलंबो में एशिया कप चलेगा 10 दिन और वो कोलंबो में एक ही होटल में रह जाए, वो लोग ना 10-10 करोड़ उनकी सैलरी होता है, मतलब अपनी कंट्री के लिए इतना मेहनत वो लोग नहीं करते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसा मिलता है, ब्रेड से पैसे मिलते हैं, IPL से पैसे मिलते हैं, बोर्ड से पैसे मिलते हैं, बस अपने एंजॉय में लगे, अगर ये बहुत ज्यादा मेहनत करते, वो दिख भी रहा है, वो लग भी रहा है। पाकिस्तान की जो टीम है फील्डिंग में, आपने देखा कि टीवी पे दिखाया गया कि कैच एफिशिएंसी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर इंग्लैंड है, सबसे ज्यादा कैचेस इन्होंने ले लिया है ओडीआई में, 7वें नंबर पर है इंडिया या 8वें नंबर पर है, मतलब पीछे से दूसरे नंबर पर है इंडिया,
ये साफ जाहिर दर्शा देता है पिछले नेपाल में शुरू के 20 गेंदों पर इंडिया ने 3 कैच ड्रॉप कर दिया। ये सारा दिखाई दे रहा है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। तो इसी वजह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की दर से, और ये हम तकब्बुर नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं इंडियंस की तरह, जिस तरह मीडिया पे बैठ के बोलते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बच्चों से जीत के आए हो अब हम हमारे साथ बिड़ के दिखाओ, हमें अब शिकस्त दे के दिखाओ। वो बारिश नहीं होता था ना 266 पे, वो हम आपको लग पता जाता था। शायद आपने बस की वो नहीं देखी देखी होगी रिपोर्ट, या दूसरे वेबसाइट की रिपोर्ट नहीं देखी होगी, या पिच एक्सपर्ट्स के वो सब उधर बोल रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए पिच ज्यादा साजगार हो गया था, बाल सीधा बैट पे आ जाता था। अगर वो मैच अभी आप डर के भाग गए, उससे अगले ही दिन एक दो दिन बाद नेपाल के साथ आपका मैच हुआ, सेम वही सिचुएशन हुआ, बारिश भी हो गया, बारिश भी बीच में एंट्री दे दिया, लेकिन पाकिस्तान का जो मैच था कम ओवर्स के लिए भी आप तैयार नहीं थे। 9 बजे पाकिस्तान इंडिया वाले मैच आपने कॉल्ड ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन नेपाल के साथ 10:30 बजे आपने दोबारा मैच शुरू कर दिया 1.5 घंटे की ताखीर के बाद। क्यों? मतलब पाकिस्तान से एक डर है, एक खौफ है, वो आपकी बेजे में बैठा हुआ है, जैशा के बेजा में बैठा हुआ है आपकी इंडियंस के। आप कब तक पाकिस्तान से भागोगे, कब तक पाकिस्तान से भागोगे? आपके ये भागने की खौफ, जैशा के इस भागने की खौफ ने इंडियन टीम को तारीकी में डाल दिया है। इंडियन टीम पर इसी चीज का खौफ है कि हम इनसे क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं, तो अगर ओडीआई वर्ल्ड कप या एशिया कप इस तरह मुकाबले इनके साथ आती है तो यही खौफ इनके जहन में रहता है। जहन में इनके खौफ नहीं रहता है, आप खुद इनके जहन में खौफ डालते हो। तो जाते जाते आप सबसे मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम के लिए खुसूसी दुआ करें, खासकर बाबर के लिए, कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, स्पेशली 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 अपने पेसर्स के लिए। आज इनकी मतलब बालिंग को देख के शाहीन, आरिस, नसीम, और आज के मैच में अपने 50 विकेट भी आरिस अरूफ ने पूरा कर दिया, लेकिन इनकी बालिंग जो है ना बस कमाल की है। ज्यादा मैं तारीफ नहीं करूंगा, मुझे खुद डर लगता है, मैं बार बार इनको माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कहता रहता हूँ, और बार बार मैं टीवी पे लाइव देखता हूँ तो बिस्मिल्लाह करके मैं इनकी बॉलिंग देखता रहता हूँ। इंडिया ये चाहते हैं कि इनमें से किसी को कुछ हो, अल्लाह ना करे इंडियंस के मुंह में खाक के इस तरह वो लोग सोचते हैं, मतलब सुशांत हो या कोई भी हो। तो ये थी आज का हमारा सेगमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन प्लीज यार मेरे वीडियो को लाइक तो किया करो, लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो लाइक तो किया करो जानी प्लीज।